बार चल दुनिया नहीं ये बबल। कौन है भाई? क्या हाल है मुस्तकीम साहब? भाई हमारे हाल तो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन घर के हालात कुछ अच्छे नहीं है, ना पत्ती है, ना पानी है, ना चीनी है, ना दूध है, कुछ भी तो नहीं है घर में। फिक्र ना करें, मैं कुछ मांगने नहीं आया आपसे। भाई वाह 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 वाह, अच्छा ये फरमाइए कि फिर कैसे आना हुआ? आपकी छत पर कोई है? कौन है हमारी छत पर? मैंने अपनी छत से देखा, आपकी छत पर कोई कूद रहा था, जैसे उड़ना चाह रहा हो। भाई यकीनन वो महमूद साहब होंगे, वो ऐसी वाहियात हरकतें अक्सर करते रहते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, महमूद साहब का तो बड़ा सा मुँह मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ, और ये तो बड़े अजीब से कपड़े पहना हुआ था। भाई फिर ये यकीनन नबील मियां होंगे जो पड़ोसियों के सहन में कूदने की कोशिश कर रहे हो। नबील भाई की छोटी शर्ट तो मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ, ये तो कोई और था। अरे कौन था भाई, हमें क्यों खामखा परेशान कर रहे हैं? जाइए जाके गौर से देखिए है कौन वो, फिर हमें बतलाइएगा। अरे आप अजीब है मुस्तकीन साहब, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ, कोई चोर डाकू भी तो हो सकता है। चोर डाकू? भाई साहब हमारी मदद कीजिए उसे भगाने में। मेरा काम तो आपको होशियार करना, मैं जान का रिस्क थोड़ी लूंगा, हो सकता है उसके पास असला हो। भाई साहब बात तो सुने, अबे पढ़ाई बुजदिल निकला, ये तो सामने कौन है ऊपर? जोजी बेगम गजब हो गया, गजब हो गया, आप हमारे साथ चलिए। हाय हाय की गजब हो गया, मैंने नहीं चलना कहीं पे, आप ही निबड़ो। बेगम पड़ोस से एक साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने हमारी छत पर किसी मशकूक आदमी को कूदते हुए देखा है, कूदते हुए। और ये ऊपर वाले होंगे, यही तो है सबसे बड़े डकैत और सबसे बड़े मशकूक। अरे भी वो नहीं है, वो तो इतने छटे हुए हैं, उनको तो मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है। मुस्तकीम तो फिर कौन कूदे हमारी छत पे? आप आइए हमारे साथ चलिए। आए नहीं, मेरे गोड़ों में बड़ी पीड़ है, तुम जाओ कर ले। हरगिज नहीं बेगम, अगर उसके पास पिस्तौल हुई तो। हाँ हाय, तो फिर मुझे क्यों लेके जा रहे हो? अगर उसने मुझे गोली मार दी फिर तो हम उसके हाथ चूम लेंगे। क्या मतलब? ये कि हम उनके हाथ तोड़ देंगे। आप चलिए हमारे साथ, जल्दी चलिए, और एहतियातन कोई हथियार रख लीजिएगा अपने हाथ में। नबील इस महीने किराया वक्त पे भरना प्लीज। ओ जानू क्या हो गया, पिछले महीने तो दिया यार, इस बार मुझे पैसे रखने दो यार। किराया हर महीने भरना होता है नबील। भाई यही बात किराए की मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए तो सारी जिंदगी मैं किराए के मकान पे रहा ही नहीं। हाँ इसलिए कि सारी उम्र आप हमारे घर पे जो पड़े रहे हैं। नबील इश्तियाक से ना तमीज से बात किया कर, ये तेरा दादा है? अरे दादा नहीं भाई, बाप हूँ उसका मैं। दादा बनने की उम्र में आप मेरे बाप बन के बैठे हुए हैं। नबील बस कर दे यार, आप लोग इस बार किराया वक्त पर दे दीजिएगा ना। एक महीने का अगर किराया ना दिया तो कौन सा सूजी को मौत आ जानी है। ऐसा करते उन पैसों के ना हम गरम कपड़े ले लेते। अरे गरम कपड़े छोड़ो मोमो, अरे चलो से ले लेते हैं किराए के पैसों से। लो भाई ये तो हमला करने आ गए। अल्लाह की कसम मुस्तकीम साहब, मैं तो कह रहा था महमूद साहब से कि किराया देते हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं चलगोजे खरीदते हैं। पर नहीं हुआ, नहीं हम कोई हमला करने थोड़ी आए हैं, ये तो ऊपर छत पे कोई चोर कूदा है। बस आप लोग हमारे साथ चलिएगा। अरे भैया घर आप लोगों का है, हम अपनी जान पे क्यों खेलें? हाय आप लोग ऊपर खेलने जा रहे, मैं भी चलूंगी भाई। माँ जी वो जान पर खेलने की बात कर रहे हैं, यानी कि उस चोर के पास गन भी हो सकती है। एक काम करो, तुम तीनों मर जाओ ऊपर चोर को पकड़ने, हम तीनों औरतें यहाँ पे थोड़ी दुआशवा कर लेते हैं। अरे किबला महमूद साहब आइए तशरीफ लाइए, चोर को चल के बताते हैं कि इस घर के मर्द जो है वो कितने निडर बहादुर और जंगजू है। हाँ नहीं वो तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये आप किन मर्दों की बात कर रहे हैं? हम और जो भी इस छत पे टपका है वो पकड़ा जाए। बोलो आमीन 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 आमीन। मगर देखने में तो आप जिंदा मालूम होते हैं। अरे भाई मैं आपकी छत से गुजर रहा था, अचानक मेरी पावर्स खत्म हो गई और मैं आपकी छत पे गिर पड़ा। अरे कांसी
पावर खत्म हो गई तेरी। सच्चाई बता कौन सा नशा किया तूने? महमूद साहब, इसने सस्ता नशा किया, आप वाला जो आप अली इमरान से खरीदते हैं। ओहो भाई, मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन। आप लोग फिल्में नहीं देखते क्या? ओ भाई, महमूद साहब और मुस्तकीम साहब तो जिस दौर के हैं, उस दौर में तो फिल्में ईजाद ही नहीं हुई थी, बनती नहीं थी। हाल बता, मैं जरूर हॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ। तो फिर तो आप मुझे जानते ही होंगे ना। अरे भाई, ये देखे ऐसे क्या आता है भाई? मुझे सोचने दीजिए कि ऐसे क्या आता है। ऐसे बनता है सुल्तान राही। अरे भाई, हमारी जोजी बेगम तो आपकी परस्तार है भाई। आपने पेट खासा कम कर लिया, मुंह भी आपका गिरा हुआ और पान मान भी नहीं खा रहे। ओहो नहीं भाई, मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन, उड़ने वाला सुपरमैन। ओ भाई, उड़ने वाले तो सिर्फ महमूद साहब हैं, वो भी उड़ने वाला साहब। मेरा ख्याल है तुम दोनों का मुकाबला करवाते हैं। नबील, तुम चुप करो। चल भाई, तोड़ के दिखा हमें। भाई पहले मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो ताकि मैं उड़ सकूं। अरे भाई, आप कोई जख्मी कबूतर हैं जो आपको पानी पिला कर उड़ा दे? अरे नहीं भाई, मैं उड़ते उड़ते गिर गया था आपकी छत पे। अब आपके घर थोड़ा आराम करूंगा, खाओ पीऊंगा तो फिर उड़ सकूंगा। अरे मेरा ख्याल है इसको नीचे लेके चलते हैं, तो खूबसूरत को पता होगा ये कौन सा मैन है। हाँ, वो तो एनसाइक्लोपीडिया। चले चले चले, पकड़ो पकड़े। सर्कस तो लेके आए हो जोजी बेगम? ये सुपरमैन है, सुपरमैन। सचमुच का सुपरमैन? जानू, तुम इसे जानती हो? नहीं, जानती नहीं हूँ, इसकी फिल्म देखी है मैंने। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? शुक्र है, ये लड़की मुझे पहचान गई। लेकिन आप हमारी छत पे कैसे आए? मैं तो छत पे से उड़ता हुआ जा रहा था, क्या अचानक मेरी पावर खत्म हो गई और मैं आपकी छत पे गिर पड़ा। ओए, तू मेरी छत पे गिरा है, किराया देना पड़ेगा तुझे। ओए, मेरी छत पे गिरा है, क्यों गिरा है, किससे पूछ के गिरा है तू? अरे अभी तो बताया है कि मेरी पावर खत्म हो गई थी तो मैं आपकी छत पे गिर गया। मेरे ना पैरों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, आप कुछ खिला पिला देंगे ना तो मुझ में एनर्जी आ जाएगी, फिर मैं दोबारा उड़ सकूंगा। मैं तू खाने में क्या खाता है, चील, कव्वे या कबूतर? मैं इंसानों वाला खाना खाता हूँ भाई। ना ना ना, इंसानों वाला खाना तो हम भी खाते, पर हम तो नहीं उड़ सकते ना। मैं सुपर हीरो हूँ जी, सुपर हीरो, मुझे उड़ना आता है ना इसलिए। हाँ तो फिर मुझे भी उड़ना सिखा देना। कसम से रिक्शे टैक्सी में बड़ा किराया लग जाता है, जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है ना, बड़ी मुसीबत आई है। मैं ना तुझे असली घ्यो के परौंठे बना के खिलाऊंगी, तू बस मुझे उड़ना सिखा दे एक बार। ना क्यों सिखा दे तुझे उड़ना, मैं सीखूंगी उड़ना। चल भी चल, तू मुझे क्लासे दे, चल भी चल, मैंने उड़ना सिखा। जनाबे मोहतरम, जरा हिम्मत कीजिए और हमारे साथ तशरीफ लाइए। चल चल चल, पकड़ ले पकड़ ले, इसको पकड़ ले, जमील पुत्र, इसे ना मूली के परौंठे खिला, फिर देख कैसे उड़ता है। ओ माँ जी, फिर तो ये हमें उड़ा देगा भाई, कुछ और सोचना होगा। मुझे लग रहा है कि मेरे घुटने खराब हो गए, लगता है उड़ते हुए किसी चीज से टकरा गया हूँ मैं। अरे भाई, अब क्या करेंगे इसका, मैंने तो सोचा था ये उड़ेगा, मैं इसकी पीठ पे बैठ के पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा बगैर पिसे के। हाँ वैसे मैं भी लाहौर पापा को मिलाती खड़े खड़े। ओए, पर ये मनुष्य तो किसी काम का ही नहीं है, जैसे फुटपाथ पे छोड़ा जमील। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत काम का हूँ और उड़ के सारे काम आपके कर दूंगा, बहुत काम आऊंगा आपके। हाँ फिर तो मैं डबल रोटी, दूध, चाय की पत्ती, अंडे सब इसी से मंगवाऊंगी। अरे मैं सुपरमैन हूँ, सुपरमैन, ये अंडे डबल रोटी पापे मंगा के मुझे वेस्ट मत करे। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, तुम भी अजीब किस्म की बातें करती हो। तुम्हें काम करना, तुम मुझे ना तुर्की ले जाना और मुझे मेरे पिंड। मैं ना वहाँ जाके रोज खेतों से ताजी ताजी सब्जियाँ तोड़ के ले आया करूंगी। आप लोग प्लानिंग ही करते रहे, ये तो किसी काम का है नहीं, उड़ा जा नहीं रहा इससे। भाई इस मसले का हमारे पास एक हल है, नादिर हल। जब भी हमें जोजी बेगम बहुत पीटती हैं तो हम सीधे सी व्यू पे चले जाते हैं बग्गा मालशिये के पास, और वह ऐसी मालिश करता है कि सारे जिस्म की दर्द यूं निकाल देता है जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं। अरे भाई तो फिर बुलाओ ना बग्गे मालिश वाले को। ना जी ना, पहले तो हम ये तय करेंगे कि ये सुपरमैन ठीक होने के बाद सबसे पहले किसके काम करेगा। चलो मेरे नाल बैठ जाओ। हाँ, मैं भी
तैयार हूँ, चलो आओ। मामू हम लड़ने नहीं जा रहे, बात करने जा रहे। चले जी, चले चले, आजा देख लेते हैं। मैं उड़ क्यों नहीं रहा, कहाँ फंस गया मैं? आइए भी आइए, आज वो आ गए आप बताओ। देखो जी सीधी गल है, घर मेरा है ते सुपरमैन में सिर्फ मेरा गुलाम बनेगा। अरे भाई वो सुपरमैन है, वो कोई जिन थोड़ा जो आपका गुलाम हो। ओ भाई सुपरमैन ठीक होने के बाद सबके काम करेगा ना? ना जी ना, सबसे पहले वो मुझे मरी लेके जाएगा। ओ माँ जी, मरी में बर्फ पड़ी है और ठंड में अगर उसकी पावर्स कम हो गई तो आपको किसी पहाड़ पे गिरा देगा। भाई हमारा ख्याल है कि उसपे सबसे पहला हक हमारा बनता है, क्योंकि सबसे पहले इत्तला हम ही ने दी थी। ना जी ना, सबसे पहले हमारा हक बनता है। सुपरमैन तो मुझे ही लेके जाएगा। शट अप, चुप कर तू। सबसे पहले मेरा हक बनता है, नहीं तो मैं कार से निकाल दूंगी तुम सबको अभी खड़े खड़े। तुम तो मैं दस नहीं हूँ। अरे छोड़ो ना, अभी क्या कर रही हो मोमो? ओहो देखें, इस बात का एक ही हल है, बारी बारी अपने काम करवा लेंगे सुपरमैन से। एक काम आप करवाइएगा, एक हम करवा लेंगे। वाह 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 वाह, मैं तो कहता हूँ मेरी बीवी जैसी शातिर औरत पूरी दुनिया में नहीं है। शट अप नबील। क्यों भाई, फिर मालशिये को बुलवा लिया जाए? जी 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 जी, फौरन फौरन फौरन। बगा साहेब, मालिश का सारा सामान लेकर आ जाइए, हम तैयार हैं। जी जी आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मुझे ये सुपरमैन ठीक नहीं लग रहा, बल्कि मुझे ये सिचुएशन ही ठीक नहीं लग रही। बस कर दो जानू, खुद कोई सिचुएशन बनाती नहीं हो, जब हम बनाते हैं उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देती हो। बस तो यही है, और सोचो उससे काम क्या क्या करवाना है जब ठीक हो जाएगा तो। मुझे कुछ नहीं कराना। मैं तो सोच रहा हूँ कि उससे बोलूं कि मुझे लंदन में नाश्ता करवाए, लंच के लिए न्यूयॉर्क ले जाए, वापसी पे दुबई में डिनर करवा के वापस छोड़ दे। और तब तक हम घर में बैठ के दाल चावल खा रहे होंगे, है ना? वो मेरा मसला नहीं है महमूद साहब, आपका जो दिल करता है वो खाए। पुत्र मैंने सबसे पहले ना उससे घर के जाले साफ करवाने, फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि जो जाके जोजी की बच्ची दाल कच्ची को ना केटू की पहाड़ी पे छोड़ के आ जाए। मेरा तो ख्याल है मोहो तुम भी साथ ही चली जाना, सहर हो जाएगी तुम्हारी। भाई बेगम, ये फरमाइए कि हमने ऊपर वालों की शरायत मानकर कोई गलती तो नहीं की? कोई गलती क्यों करनी है, जोजी को क्या समझा हुआ है तुमने? मैंने तो बड़ा सोच समझ के फैसला कर भी लिया है, पर सुपरमैन के ठीक होते ही दूध से मक्खी की तरह हमने ऊपर वालों को निकाल देना है और टिकट लगा देना है सुपरमैन के, हम तो करोड़पति बन जाएंगे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार, निकलते हैं उस बार की देखी जाएगी बबल, उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए चलते। आ जी आ जी आ जी आ जी। हाँ भाई। अरे बाबा क्या हुआ भाई? अरे अब हमारा सुपरमैन उड़ सकेगा ना बाबा? तीर की तरह उड़ेगा, तीर की तरह। लाओ मेरे पैसे, लाओ सही लाओ। हाँ हाँ, पैसे दे रहा हूँ, दे रहा हूँ मैं भी, दे लाओ बाबा। ये ले बाबा, ये ले। हाँ चल, है निकल गया। चल आए ना इसको अंदर लेके चले। चलो हवा तीनों हजरात, सबसे पहले तो आप हमारा शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि मालिश वाले को हमने बुलवाया था। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मुस्तकीम साहब, अरे पैसे तो हम सब ने मिलकर डाले हैं ना। तो उनकी बातें ना सुन पुत्र, बस तू हमें ना जल्दी से उड़ के दिखा दे। रेडी स्टेडी गो। उड़े, उड़े। उस मालिश वाले ने क्या मालिश की है, रही सही ताकत भी खत्म हो गई। पहले मैं खड़ा तो हो सकता था, अब तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। देखा मुस्तकीम साहब, आपने सारा काम खराब कर दिया। चलें यार महमूद साहब, इसे उठाएं यार, इसको ऊपर लेके चलें, इसको ठीक करने की हमारी बारी है, और ठीक होने के बाद इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होगा। हाँ, सिर्फ हमारा होगा। चले इसको लेके चले, चलो पीछे जाओ, आओ 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 आओ। मुस्तकीम, तुम्हारे मालिश वाले ने सारा काम खराब कर देता है,
पर देखना जो जिन्हें भी कच्ची गोलियां नहीं खेडी, एक बार ये सुपरमैन ठीक हो जाए इन सबको कार से निकालूंगी और देखो फिर मैं करती क्या हूँ। फिलहाल हमारे लिए क्या हुक्म है? चुप करो। अरे ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं तुम लोगों की छत पे आ गिरा, दोनों पैर खराब कर दिए मेरे। पुत्र इसे भी इलाज के लिए लंदन ना ले चले। माँ जी इस पर बैठ के तो हमने लंदन जाना था, इसे लंदन कैसे लेके जाएं? नबील अगर हमने इसे बाहर के मुल्क भेज दिया ना, ये वापस कभी नहीं आएगा। वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं है, कुछ लगता है इसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ा था। नहीं नहीं प्लीज, ए, मुझे इस तरह मत छोड़ना, मेरा इलाज करवा दो प्रॉपर। मैं वादा करता हूँ मैं तुम लोगों के बहुत काम आऊंगा, मैं सुपरमैन हूँ। आई ना तो हमें वो समझ रहे ना। वो क्या? वही जो हम शक्ल से लगते हैं। बेवकूफ? ना ना बेवकूफ नहीं, वो लालची और दो नंबर। हेलो, हम लालची जरूर है, दो नंबर नहीं है। हमें शक्ल से लालची समझते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, तुम लोग मेरे पैर ठीक कर दो फिर मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर को बुलवा लेते हैं। कौन डॉक्टर भाई? पाकिस्तान के सबसे मशहूर और सबसे बड़े डॉक्टर, डॉक्टर शाहिद 612 को। अरे ये कौन है? जैसे हमने तेरी फिल्में नहीं ना देखी, तूने हमारा बुलबुले नहीं देखा वरना तू ये बात नहीं करता। जानू डॉक्टर को फोन कर यार। तैयार हो जाए डॉक्टर, टेंशन नहीं। आ रहे आ रहे। हाँ। ओए, ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई खूबसूरत ने बुलाया है, एक इमरजेंसी है, डबल फीस देंगे। डबल फीस? हाँ भाई आपको तो पता है अगर बुलबुल में दो चार सीन हो और साथ में डबल फीस हो तो बंदा इनकार थोड़ी करता है ना। ओए, ओए सीधी तरह निकल जाए तू, बता रही हूँ तुझे मैं। ऐसे नहीं जाऊंगा, खूबसूरत कहेगी तभी जाऊंगा। बड़ा है खूबसूरत का सक्का, और वो क्यों कहेगी? ये कार तो मेरा है। देखिए आप मेरी इंसाफ नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? देखिए एक तो मैं वैसे ही बहुत मौजूद आदमी हूँ और साथ में बड़ा सर्जन भी हूँ भाई। छाड़ छाड़, बड़ा सर्जन हूँ, किसी चूही का से इतना ऑपरेशन तो तू कर नहीं सका। अरे मैं तो खड़े खड़े ऑपरेशन कर देता हूँ मिनटों में, लाए मैं आपका एक छोटा मोटा ऑपरेशन कर देता हूँ। चल चल, मैं क्यों कराऊँ ऑपरेशन, चंगी भली हूँ मैं। अरे एक छोटा सा ऑपरेशन करके आपकी सारी चर्बी निकाल दूंगा, सबक कमर जैसी हो जाएंगी आप। ओए सच्ची? हाँ भाई, पर मुंह यही रहेगा खौफनाक सा, लेकिन इसकी सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। ओए दफा ऊपर मरा, चल चल निकल है तू, निकल। ऐसा ना कर, मेरा रोम ना खाते, मुझे अंदर जाने प्लीज, मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा, हट हट हट, मैं जाऊंगा। ओए चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ये क्या बगा है भाई? और ये बला नहीं है, सुपरमैन है जाहल। सुपरमैन? ये क्या होता है भाई? तुम तो कह रहे थे कि तुम सुपर हीरो हो, तुम्हें पूरी दुनिया जानती है, हमारे साथ ये भी तुझे नहीं जानता। अरे भाई हुआ क्या ये तो बताओ, इलाज किस चीज का करना है मुझे? इसकी टांगों का, ये चल फिर नहीं पा रहा। अरे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खूबसूरत तुम मुझे समझाओ, जब तुम मुझे समझाओगी ना मैं जब से समझ जाऊंगा। अरे भाई ये चल नहीं पा रहा, बल्कि अपने पैरों पे भी नहीं खड़ा हो पा रहा, इसको प्लीज इसके पैरों पे खड़ा कर दे। परेशान मत हो खूबसूरत, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता खूबसूरत। ओ हेलो, क्यों भाई? अरे भाई कैसे देखूंगा, मेरी आंखें तो कमजोर है। आप तो कामों का ऐसी वैसे समझ रहे हो भाई। आंखें तेरी कमजोर है तो तू फिर इसका इलाज कैसे करेगा जाहल? अरे कर लूंगा माँ जी कर लूंगा, आप एक काम करें माँ जी, अपनी आंखें भी मुझे दे देना। अरे इधर ही है तुम्हारे पास, आराम से खड़ी रहो मत हिलो। आवाज आ रही, तस्वीर नहीं आ रही। आ जाओ आ जाओ, 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 आ जाओ
वाह डॉक्टर साहब वाह, अरे आपने तो इसको बिल्कुल ठीक कर दिया। अरे मुस्तकीम साहब चुप चुप के ना देखे, आगे देखे हमने सुपरमैन मुरम्मत करा लिया। अरे आपके मालची ने तो खराब कर दिया था ना, हमारे मालची मेरा मतलब है हमारे डॉक्टर ने सब ठीक कर दिया है। हाँ अब इस स्पाइडरमैन पे सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा बस। सुपरमैन माजी? ओए सुपरमैन नहीं सुपर वुमन बोल मुझे। अरे ये सुपरमैन मुझे बोल रही है आंटी। चुप है, खबरदार जो मुझे आंटी कहा हो तूने तो। माजी आप बेचारे को डांटे तो मत। अच्छा ये बताओ सुपरमैन अब कैसा फील कर रहे हो? टांगे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, आपको कौन सा हर सिग्नल पे रुकना है। तुझे अगर ये जहाज से टक्कर मार दी इसने तो फिर। अरे इस तरह तो मैं उड़ ही नहीं पाऊंगा। वैसे डॉक्टर आपस की बात है, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया है और क्यों किया है? अरे भाई मुझे टांगे ठीक करने का कहा था, वो मैंने कर दी, अब लाए मेरी फीस। अरे फीस के बच्चे, हमारा केस खराब कर दिया तूने, ऊपर से फीस मांगते। निकल यार, ले मारे इसका ना, निकल ले नहीं बनेगा। ओए लो जी ये सुपरमैन तो किसी भी काम का रहा नहीं। आप मेरी मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ी देर आराम करूंगा ना तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। वो सब ठीक कह रहा है, मेरा ख्याल है इसको अंदर लेके चलते हैं, थोड़ा आराम करा ही देते हैं। वो जो हमने अंदर ले जाके इसे करवाना है वो आराम है। हां जी आओ जी आओ। ओए इधर ओए इधर ओए इधर मारो ओए इधर मारो इधर मारो चल मार चलो चलो तो चल। तब तक आप लोग इंतजार फरमाएं और ये ले एंटरटेनमेंट। बड़े टाइम से आया मैं, हमारे घर में एक चीज आई हुई है। ओए किधर भाग रहे? ओ माँ जी कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में आऊं और कोई खैर की खबर मिले? ओए तू गलत समझ रहा है, हमारे घर ना उड़ने वाली चीज आई हुई है। ओ उड़ने वाली चीज का नाम महमूद है माँ जी, वही है उड़ने वाला सांप। ना ना महमूद नहीं, कोई और चीज है, कोई मैन मैन नाम है उसका। वॉचमैन? ना। और लाइन मैन? ओए नहीं वो जो चिपके चिपके कपड़े पहनते हैं ना वो। हाँ गोल्डन मैन। ओए नहीं वो जो निक्की जी चड्डी पहनता है ना वो। कौन है ये बे आदमी जो छोटी चड्डी पहन के बुलबुले में ही आ गया? पहले वो छोटी शर्ट वाला नबील और अब ये छोटी चड्डी वाला मैन, नहीं हो सकता, हमारी ऑडियंस फैमिली है। चले अंदर चले। ओए। और चले माँ जी अंदर देखते हैं छोटी चड्डी वाला। आओ यार भट्ट साहब, खुदा का वास्ता भी ये मत कहिएगा कि हमारे घर में कोई मशकूक आदमी आया हुआ है। ओ भाई मैं ऐसा क्यों कहूंगा? क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं। ओ भाई मैं तो यहाँ तुम लोगों से मिलने के लिए आया था, वो तो माँ जी से पता लगा कि यहाँ कोई छोटी चट्टी वाला आया हुआ है, वरना मैं तो सोचा था गप लगाएंगे चाय पिएंगे। अरे हाँ यार चाय का वाकई दिल कर आया भट्ट साहब। एक काम करें आप ना समोसे पकौड़े जलेबियाँ और एक वो छोटे वाला ना केक मंगवा ले, बड़ा मजा आएगा। ओ यार हद करते हो तुम, मेहमान से तुम चीजें मंगवाओगे? पागल हर हफ्ते कहीं ना कहीं से पकड़ के इसको पागल खाने पहुंचाता हूँ, फिर पता नहीं कैसे भाग जाता है। अरे छोड़ छोड़ छोड़, मैं भागता नहीं हूँ, मैं तो उड़ता हूँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते